आज की जो हमारी क्लास है हमारे यूनिवर्सल सिंबल्स के बारे में है। इसका नाम यूनिवर्सल सिंबल है। आप इसको यूनिवर्सल रेकी सिंबल भी बोल सकते हैं, या फिर आप इसको सिंपल यूनिवर्सल सिंबल बोल सकते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि मेरा नाम उपासना है और मैं इस प्लेटफॉर्म पर रेकी सिखाती हूँ। ठीक है, रेकी से जुड़े जितनी भी मोडालिटीज हैं, जो भी मैं जानती हूँ, वो मैं सब यहाँ पे सिखाने की कोशिश करती हूँ और आप लोगों से भी कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। चलिए, तो ये हमारा यूनिवर्सल सिंबल्स का एक पूरा कोर्स है, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि हमने यहाँ पर 100 सिंबल्स आप लोगों को सिखाएंगे। 100 सिंबल्स में से कुछ सिंबल्स ऐसे होंगे जिनका हम शक्तिपात करेंगे और कुछ सिंबल्स का शक्तिपात हम लोग नहीं करेंगे। ठीक मैम है, तो कुछ सिंबल्स का यहाँ पे शक्तिपात होगा, लेकिन कुछ सिंबल्स हम डायरेक्ट भी यूज करेंगे, तो आपको मैं वो सभी सिंबल्स सिखाऊंगी। आज हमारी फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास में मैं आज आपको सिंपल सिंपल जो है, जिनके अंदर हमें को अटूनमेंट का जरूरत नहीं है, पहले उसमें से कुछ सिंबल्स आपको सिखाऊंगी। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बाकी के सिंबल्स जो और क्लासेस होंगी वहां पर आपको सिखाएंगे। चलिए, चलिए, ये जो सिंबल है, ये सिंबल मैंने बनाया है और ये बहुत साल पहले बनाया था, उसके बाद ये कॉपी हो गया। अभी मुझे नहीं पता आप लोगों ने इसको पहले कहीं देखा है या नहीं देखा, लेकिन आजकल अगर आप गूगल वगैरह सर्च करेंगे तो आपको बड़ी इजीली ये मिल जाएगा। ठीक है, तो जब मैंने ये सिंबल बनाया था तो मैंने ऐसा कुछ सोच के नहीं बनाया था, मैंने सिंपल तरीके से बस बैठी थी, तो जैसे जैसे ये चीजें मेरे सामने आई, तो जो मैंने इस चीज के साथ कनेक्ट किया वो यही था कि एक यूनिवर्सल सिंबल है, एक कॉस्मिक एनर्जीज के साथ आपको कनेक्ट करने वाला, हर तरीके से आपको प्रोटेक्शन देने में। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर मैंने शिव शक्ति का ये बना हुआ है पार्ट, ये भी एक शिव शक्ति का पार्ट है और यहाँ पे एक प्रोटेक्शन है, और ये भी एक, उसको भी एक डबल प्रोटेक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको मैंने बैलेंस करने के लिए, प्लस आपके उस परमात्मा के साथ आपके कनेक्शन को मजबूत करने के, तो आप जब भी कभी मेडिटेशन करने बैठे तो आप कुछ देर के लिए इसको विजुलाइज करें। विजुलाइज करके आंखें बंद करके ऐसा विजुलाइज करें कि आप उस परमात्मा के साथ कनेक्ट हो, और ऐसा 2 से 3 मिनट या 5 मिनट की हीलिंग कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये इसका पार्ट नहीं है, ये मैंने अपनी तरफ से आपको वैसे ही बता दी। अब जो हमारा सबसे पहला जो हमारा सिंबल है, ये है हमारा टॉक्सिक कल्चरल शीट। इसको आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों पे, प्रोटेक्शन के लिए ये सिंबल को यूज ये करते हैं। श्री श्री यंत्र हाँ, जैसा दिख रहा है। श्री यंत्र जैसा लगता है ये सिंबल। ठीक है, अगर आप इसके अंदर भी ध्यान से देखेंगे तो इसमें भी शिव शक्ति का ही सारा कुछ बैलेंस करने के लिए बना है। ठीक है, तो ये सिंबल का कोई शक्तिपात नहीं होता है, इसको नॉर्मल आप यूज कर सकते हैं। प्राचीन समय में लोग इसको अपने घरों में, आपने कभी बहुत पुराने जमाने के अंदर देखा होगा, लोग अपने घरों में दीवारों पर इस तरीके से इन सिंबल्स को बनाते थे प्रोटेक्शंस के लिए, तो ये वहीं से आया हुआ सिंबल है। इसको भी आप अपने घरों के अंदर बना सकते हैं प्रोटेक्शन के लिए। इसको शक्तिपात की जरूरत नहीं होती है। इस सिंबल को बनाने से हर प्रकार की जो भी नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिविटी है, वो आपको वहां से रिमूव हो जाती है। इस सिंबल को आप अपने घर की वॉल्स पे बना सकते हैं। इस सिंबल को सिर्फ आप वॉल पे ही बनाएंगे, इससे आपको कोई मेडिटेशन या कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप सिर्फ इसको वॉल्स पे बना सकते हैं, या जहां पर आपको लगता है कि बहुत नेगेटिविटी है उस जगह पर आप इस सिंबल को बनाकर लगा सकते हैं। ठीक है, हर प्रकार की जो भी नेगेटिव माहौल होता है उसको पॉजिटिव माहौल में बनाने में ये सिंबल आपको इस्तेमाल करता है। ठीक है, आपकी
सोच को बदलता है, आपके विचारों को बदलता है, आपके अंदर मधुरता लेकर आता है। इसके बाद में ये आपको साइकिक प्रोटेक्शन से भी बचाता है, किसी भी तरह की अगर कोई ब्लैक मैजिक अगर हमें लगता है ना आगे। वैसे मैं आपको एक दो सीजल्स ऐसे दूंगी जो कि अगर ब्लैक मैजिक अगर कोई आपके ऊपर करता है या आपको जो भी है आप अपने घरों में उनको लगाएंगे तो उससे क्या होगा, बाउंस बैक होगा। आप जिसने आपके ऊपर किया होगा वो उसी के पास चला जाए, ठीक है। तो ये सिंबल भी उसी तरीके से यूज होता है लेकिन इसमें बाउंस बैक नहीं होता है, इसके अंदर सिर्फ प्रोटेक्शन है, ठीक है। हर तरह का कोई भी अमंगल कार्य अगर कोई आपके लिए कर रहा है तो उससे ये आपकी रक्षा करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्रियात्मक शक्तिशाली उपचार सिंह, क्रिएटिव पावर हीलिंग सिंबल। ये देखिए ये सिंबल जो हमने पहले आपको सिखाया इसको आपने सिर्फ वॉल पे लगाना है और इससे कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक इंटेंशन कि ये आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। ये सिंबल को आप मेडिटेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, आपने इसको भी आपका कोई शक्तिपात नहीं होगा, ये एज इट इज आपको प्रिंट आउट निकालेंगे आप और इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप अपने से 3 से 4 फीट दूरी पे इसको लगाएंगे और 3 से 4 फीट दूरी पे लगाकर थोड़ी देर बैठेंगे और उसकी तरफ ध्यान लगाएंगे और ध्यान लगाकर आप आंखें बंद करेंगे और आंखें बंद करके आप मेडिटेशन कर सकते हैं ये सिंपल, ठीक है। इस सिंबल ज्यादातर स्टूडेंट्स के लिए यूज अच्छा होता है, ये हम ज्यादातर स्टूडेंट्स के लिए यूज कर सकते हैं, आप अपने पर्सनल तरीके के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसका प्रिंट आउट लेकर जिस टेबल पे बैठ के आप पढ़ाई करते हैं उस टेबल पे इसको पेस्ट कर सकते हैं, बच्चों के स्टडी टेबल के नीचे इसको आप पेस्ट कर सकते हैं, टेप से लगा सकते हैं, इससे उनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है। इससे मेडिटेशन के लिए जैसे मैंने आपको बोला है कि इसको आप लगाएं 3 से 4 मिनट, इसको देखें 3 से 4 मिनट, देखकर आप आंखें बंद करके मेडिटेशन करें। मेडिटेशन करने के लिए आपको अपनी थर्ड आई पे ही काम करना है और किसी चक्रा के ऊपर आपको काम नहीं करना है, ठीक है। तो आप इस तरीके से इस सिंबल से मेडिटेशन कर सकते हैं, ये आपकी कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। प्लस अगर आप बच्चों के स्टडी टेबल के अंदर लगाते हैं, जैसे जो बच्चे आजकल पढ़ाई नहीं करते हैं, मोबाइल के एडिक्शन है, तो ऐसे बच्चों को के ध्यान को सही केंद्रित करने के लिए आप इस सिंबल से उनको हीलिंग भी दे सकते हैं और उनके स्टडी टेबल पर भी यूज कर सकते हैं। ये सारा वही चीज लिखी हुई है जो मैंने आपको बताया, दीवारों पे लगा के आप इसका मेडिटेशन कर सकते हैं। इस सिंबल को जब आपने मेडिटेशन करना है, जब आपने उसको दीवार पे लगाना है, जब आपको मेडिटेशन करना है, तो आपको सिर्फ क्या ध्यान लगाना है, आपको ध्यान लगाना है सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों के ऊपर, अपनी अपनी ब्रीथिंग ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है, अपनी सांसों के ऊपर ध्यान रखना है, ठीक है। इस सिंबल को बहुत सारे लोग अपनी टी शर्ट्स पे भी बनाते हैं, जैसे कोई व्यक्ति बीमार होता है, जैसे कि कोई व्यक्ति बीमार होता है तो वो अपनी टी शर्ट पे बना सकते हैं, उस टी शर्ट को पहन सकते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली उनकी हीलिंग होती जाती है, ठीक है। और इस सिंबल के लिए भी आपको कोई शक्तिपात की जरूरत नहीं है, इसको आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, ठीक है।